हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ड्रीम इलेवन चैनल में। तो आज मैं आप सभी को वेस्ट इंडीज़ वर्सेस वर्ल्ड इलेवन की टीम देने वाला हूँ। तो मैं आपको इस मैच की टीम दूंगा। तो सबसे पहले हम इसकी टीम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो चलिए टीम प्रीव्यू की तरफ। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 13 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और उनके स्क्वाड में कार्लेस ब्रैथवेट कैप्टन है। और वर्ल्ड इलेवन में जो इयन मॉर्गन है वो ये मैच नहीं खेलेंगे, सफरिंग फ्रॉम फिंगर इंजरी के कारण। तो उनकी जगह सैम बिलिंग्स या टीम में से सैम कुरान, तीनों में से एक को खिलाया जा सकता है। शहीद अफरीदी वर्ल्ड इलेवन के कप्तान रहेंगे इयन मॉर्गन की जगह। और शकीब अल हसन भी ये मैच नहीं खेलेंगे, संदीप लवेंचे खेलेंगे उनकी जगह। और हार्दिक पांड्या रोड आउट है इस सीरीज से, मोहम्मद शमी उनकी जगह रिप्लेस किए गए हैं। तो हम इनके प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं। तो प्लेइंग इलेवन में जो वेस्ट इंडीज़ के चेंजेस हो सकते हैं वो एंडर फ्लेचर और पॉवल के बीच में एक चेंज हो गए, दोनों में से एक खेलेंगे। और नर्स और एमरिट में एक खेलेंगे, दो चेंजेस हो गए वेस्ट इंडीज़ में। और वर्ल्ड इलेवन में आपको बता दिया जाए तो कोई चेंज नहीं होगा। वर्ल्ड इलेवन में दिनेश कार्तिक, तमीम इकबाल, लुक क्रॉन्ची, सैम बेलिंग, शोएब मलिक, सईद अफरीदी, तिशेरा परेरा, रशीद खान और मैकलेंगन और संदीप लामिछे, आदिल रशीद, ये 11 प्लेयर खेलेंगे वर्ल्ड इलेवन की तरफ से। तो हम अब इसकी ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। तो चलिए ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो मैंने इस मैच की एक टीम बना के रखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विकेट कीपिंग में मैंने दिनेश कार्तिक को लिया है, बेस्ट ऑप्शन है। दिनेश कार्तिक फॉर्म में चल रहे हैं तो आप दिनेश कार्तिक को लीजिएगा, आपके पास ये चॉइस है। पर ज़्यादा चांसेस दिनेश कार्तिक आज बढ़िया खेलेंगे। तो हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में हमने लिया है तमीम इकबाल, इवन लेविस, मार्लन सैमुअल और शोएब मलिक। हमने 4 बैट्समैन लिए हैं इनके। आपके पास जो चॉइस है मैं आपको बता दें, आपके पास लुक क्रॉन्ची को आप खिला सकते हैं, सैम बिलिंग्स को खिला सकते हैं, एंड्रे फ्लेचर और इनमें एक खेलेगा तो रिस्की है, तो इन्हें ना लीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरी टीम में क्रिस गेल को ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्रेड के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मैंने लिया नहीं है। तो मैंने 4 बैट्समैन लिए। तो अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने लिया है अंद्रे रसर, कार्लिस ब्रैथवेट, तिशेरा परेरा। मैंने सईद अफरीदी को नहीं लिया, तिशेरा परेरा डेथ ओवर्स करेंगे तो इनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो तिशेरा परेरा को मैंने इसलिए लिया है। और हार्दिक पांड्या तो रोल्ड आउट है सीरीज से, तो ये मैच खेलेंगे नहीं और ये भी ये मैच खेलेंगे नहीं। तो मैंने ये 3 ऑलराउंडर लिए हैं। तो अब हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन में मैंने लिया रशीद खान, सैमुअल बद्री, मिचेल मैकलेंगन। आपके पास जो चॉइस है, चॉइस में आप नर्स को ले सकते हैं और आदिल रशीद को ले सकते हैं, ये मैच खेलेंगे। मोहम्मद शमी को ले सकते हैं, इसके अलावा आप जिन्हें ले सकते हैं संदीप लिमेंचे को भी खिलाया जा सकता है। सैम कुरान नहीं खेलेंगे, टीम मेल्स रिस्की चॉइस में रहेंगे तो इन्हें ना ही लीजिएगा। तो ये है। तो मैं आपको अपनी प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारी टीम प्रीव्यू है, देख लीजिए। जिसे मैंने वेस्ट इंडीज़ के लिए हैं 4 बैट्समैन, 1, 2 और 2 ऑलराउंडर। और मैंने लिए हैं 4 बैट्समैन वर्ल्ड इलेवन के, 3 बैट्समैन और 1 ऑलराउंडर। और बॉलिंग में मैंने तीन तीन लिए हैं, तीन तीन का कॉम्बिनेशन लिया है। तो अब हम चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इवन लेविस को बनाया, ओपनिंग करने आएंगे, अभी आईपीएल से खेल के आए तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। और वाइस कैप्टन मैंने दिनेश कार्तिक को बनाया, क्योंकि ये भी बहुत ही लाजवाब फॉर्म में है, इस कारण मैंने इन दोनों को बनाया। आप चाहें तो चॉइस कर सकते हैं मार्लन सैमुअल को, काफ़ी अच्छे चॉइस है। तमीम इकबाल को बना सकते हैं, शोएब मलिक को बना सकते हैं, इनके अलावा आप अंद्रे रसल को बना सकते हैं अगर बैटिंग आ गई तब, और रशीद खान को भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे विकेट ले जाते हैं, और मिचेल मैकलेंगन को भी बना सकते हैं। तो ये हमारी टीम है। सेकेंड टीम मैंने बनाई है, उसमें मैंने एक चेंजेस किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड टीम में मैंने क्रिस गेल को और कैप्टन बना दिया है, क्योंकि अगर ये खेल जाएंगे तो लंबा ही खेलेंगे, और शोएब मलिक को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया। तो ये हमारी सेकेंड टीम है। तो इसी तरह की टीम के लिए और विनिंग मैचेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।